हमारे ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे। ज़रार जुनेद से कहता है, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ जुनेद, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपने भाई को इस तरह शक की नजरों से देखूंगा। वो भी जुनैरा की झूठी बातों को मानकर वो मुझसे बार बार झूठ बोलती रही ताकि वो आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सके। मैंने तो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बना लिया था, ये समझ ही ना पाया कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। जुनेद ज़रार से कहता है, ज़रार भाई, किसी का भी माजी शर्मिंदगी से खाली नहीं होता और ये इंसान की खुशकिस्मती होती है कि वो अपने माजी का एतराफ़ भी करे और एतराफ़ भी। मैंने भी माजी में बहुत सी ऐसी गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से मैं आज भी शर्मिंदा। ज़रार, तुम इस बात का यकीन करो, मेहर भाभी जैसी हस्तियाँ नहीं होती जिनके दिल पर दिए के जहम अपनों के हों लेकिन फिर भी दागे निदामत न हो। तुम ठीक कह रहे हो जुनेद, मैंने जाने अनजाने में मेहर को बहुत दुख पहुँचाए हैं सिर्फ और सिर्फ उन झूठी बातों पर इतबार करके जो सच थी ही नहीं। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि जो कुछ मैंने माजी में तुम्हारे साथ किया इस पर मैं जिस कदर शर्मिंदा हूँ ये मैं अल्फाजों में बयान भी नहीं कर सकता। जुनेद कहता है, आपके और मेरे दरमियान नफरत डालने की असल वजह सिर्फ और सिर्फ जुनैरा की बातें थी। अब जुनैरा की असलियत आपके सामने खुल चुकी है। अगर आपको पहले ही जुनैरा के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता तो मुझे इस बात का यकीन है कि आप अपने भाई की ही बातों को सच समझते।